खालिस्तान मुद्दे से भारत और कनाडा के बीच शुरू हुआ विवाद धीरे धीरे गति पकड़ रहा है। कनाडा द्वारा भारत पर लगाए गए निराधार आरोपों से दोनों देशों के बीच शुरू हुआ तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कनाडा ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप लगाए थे, जिसके बाद भारत ने कनाडा के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए कनाडा को भारत से अपने डिप्लोमेट को वापस बुलाने का आदेश दिया था। इस आदेश को मानते हुए जवाब में कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने ट्वीट कर भारत के इस कदम को अनुचित बताया है। इस पर भारत के विशेषज्ञों का क्या कहना है, सुनिए। इसमें कनाडा ने जो भारत की बात करी है कि पैरिटी जो भारत चाह रहा है या कर रहा है उसको वो कंडेम करते हैं, बात ये है ना, शुरुआत किसने करी है? शुरुआत तो कनाडा ने करी है जब उन्होंने एक इंडियन ऑफिशियल डिप्लोमेट को वहां से एक्सपेल किया। तो जब कनाडा ने एक्सपेल किया तो भारत भी तो फिर अपनी ऑप्शंस देखेगा, और कनाडा का कोई रवैया पॉजिटिव नहीं रहा है कि भारत इस इशू को किसी दूसरी नज़र से देख पाए। शुरुआत कनाडा ने की और कनाडा का जो रवैया है, भारत इसको अनफॉर्चुनेटली किसी दूसरे रवैये से नहीं देख सकता। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि कनाडा के जो डिप्लोमेट्स भारत में कम हो जाएंगे तो डिप्लोमेटिक सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इन्हें क्या ये समझ नहीं आता, ये जो भारत कनाडा का इशू है ये हाई लेवल पे सॉल्व होगा। दिल्ली में 40 या 400 भी ये डिप्लोमेट पोस्ट कर दे, उससे जो कोर इशू है भारत और कनाडा के बीच में सॉल्व नहीं होगी। तो डिप्लोमेट्स ऑन ग्राउंड डोंट मैटर इस मामले में, क्योंकि इस मामले में मामला जो रिजॉल्व होना है डिप्लोमेसी से होना है, हाँ, बट हाई लेवल डिप्लोमेसी से होना है बिटवीन लीडर्स, लोअर लेवल जूनियर लेवल डिप्लोमेसी से नहीं होना है। तो इसलिए नंबर्स ऑन ग्राउंड डू नॉट मैटर। हमने भारत ने कनाडा को कहा आपका डिप्लोमेट्स के नंबर नीचे कर दीजिए। वो वियना कन्वेंशन में न कहा है कि आप ये कर सकता नहीं है, है ना? तो मैं न कहूँगा कि भारत ने वियना कन्वेंशन को वायलेट किया, लेकिन क्या रीज़न भारत ने कहा? पैरिटी के मतलब है कि जितने कैनेडियन डिप्लोमेट्स इंडिया में है उतने इंडियन डिप्लोमेट्स कनाडा में होगा वगैरह, लेकिन वियना कन्वेंशन में पैरिटी का वर्ड नहीं है और कॉन्सेप्ट भी नहीं है। तो इंडिया को मत कहना चाहता है कि सकता है कि हम वियना कन्वेंशन के आधार पर ये किया है। आप सुना होगा फाइव आईज, जानते हैं आपको, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, है ना? पांच। दो दिन पहले मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया का इंटेलिजेंस चीफ पब्लिकली कहा उनके मन में कोई डाउट नहीं है कि इंडिया ने किया। मैं न कहना चाहता हूं कि इंडिया ने किया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये फाइव आईज के मन में उनका विचार है इंडिया ने किया। ठीक होगा ना ठीक होगा दूसरी बात है। इसलिए वाशिंगटन ने अभी कहा इंडिया कोऑपरेट करना है। ये पहले दफ़ा नहीं है, बहुत दफ़ा कहा है, लेकिन अभी तक इंडिया कोऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है। इसलिए बहुत दफ़ा आवर्तन करने का ज़रूरत है।